जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जोन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 8 अक्षर परब्रह्म योग श्लोक 22। पुरुषः सपरः पार्थ भक्तिया लभ्यस्तु अनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वं इदं ततं वोम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका अक्षर परब्रह्म योग के शिक्षा देते हैं। परमात्मा कहता है, अर्जुन अब उन लोगों के मिलने वाले फल के बारे में हमसे सुना जे हमरी तरफ मुड़त हैं और हमका खोजत हैं, अर्थात हम का ही, हमार महिमा का है, हम कैसे प्राप्त हो, ये सब हमसे सुना। अर्जुन, हम परम पुरुष ही सारे संपूर्ण जगत में व्याप्त ही, हम ही परमात्मा ही जिसमें सब कुछ है। जब तक किसी का हम में पूर्ण समर्पण ना होए और किसी और चीज के विचार ना होए, तब तक हम प्राप्त नहीं हो सकित। इसके अर्थ है कि केवल हमरे प्रति एकाग्र भक्ति से ही हमका प्राप्त की जा सकत है। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा अपने भक्तों का मिले वाले फल के महिमा के बारे में बताता हैं और स्पष्ट करता है कि उस फल का प्राप्त करे के एकमात्र साधन एकनिष्ठ एकाग्र भक्ति है। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए अपने में विभिन्न तरीकों से भक्ति उर्जित करे के बजाय अपनी सारी भक्ति केवल श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण में रखी और उसके तीव्रता के बढ़ावे का प्रयास करी। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के पावे के फल की इच्छा रखते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का यथावत दोहरावे का प्रयास करें। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वं इदं ततम् श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय असफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एका अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमार दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमार तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमार चौथा वचन, जैसा आप कहें
हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आपे शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे मां शुच, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन आठ वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। पुरुषः सपरः पार्थ भक्तिया लभ्यस्तु अनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वं इदं ततं। ओम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वं इदं ततं। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सभय भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दें। आपके ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम पीडीएफ तुरंत मिल जाए। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा, तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम को पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।